एक गांव था। उस गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं से रात में डरावनी आवाजें आती थी। उसी गांव में कल्लू नाम का एक पान वाला रहता था। उसने उसी कुएं के पास जाकर अपनी दुकान खोल ली। कल्लू भैया, जब तक तुम्हारी दुकान का पान नहीं खाते तब तक मजा नहीं आता। क्या मिलावट हो इसमें, बस आप लोगों का प्यार है। एक रात हल्दीराम और तोता सिंह नाम के गांव वाले कल्लू की दुकान पर पान खाने आते हैं। खाई के पान बनारस वाला, हो खुल जाए बंद अकल का ताला, हो ताला 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 ला ला ला। फिर कल्लू उन दोनों को पान बना कर देता है। ये लो भाई, पान खाओ और दुनिया को भूल जाओ। वाह कल्लू भैया, क्या पान बनाते हो, क्या पान बनाते हो आप, सचमुच मजा ही आ गया और आत्मा तृप्त हो गई तृप्त। सही कह रहे हो हल्दीराम भाई, सचमुच मजा आ गया। अरे हल्दी भैया, क्या हुआ, काहे तोता भाई को देखकर हंसे जा रहे हो, वो कोई जोकर है क्या? नहीं नहीं कल्लू भैया, वो दरअसल पान खाने के बाद तोता सिंह के होठ लाल हो गए हैं। वो सचमुच के पोपट यानी तोता लग रहे हैं, इसीलिए हंसी आ रही है। क्या खी कर रहे हो तुम दोनों, बहुत हंसी आ रही है। चलो मुझे ये बताओ कि पान कहाँ थूकू, यहाँ वहाँ थूका तो गंदगी फैल जाएगी। ऐसा कहकर तोता सिंह कुएं की तरफ बढ़ता है और कुएं में जाकर थूक देता है। ये देखकर कल्लू घबरा जाता है और बोलता है, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, उस कुएं से अजीब सी आवाजें आती हैं, वहाँ कोई भी डर के मारे नहीं जाता है, आप वहाँ क्यों थूक रहे हो। कल्लू को यूं डरा हुआ देखकर हल्दीराम जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, कल्लू भैया आप भी बहुत डरपोक हो, लो मैं भी थूक देता हूँ, अब जो कुछ भी होगा हम दोनों को होगा है? ऐसा कहकर हल्दीराम भी कुएं में थूक देता है और फिर हल्दीराम और तोता सिंह वहां से चले जाते हैं। हल्दीराम और तोता सिंह की पान की पीक सीधा कुएं में सोए हुए शैतान के ऊपर पड़ती है और शैतान जाग जाता है। ये कौन दोस्त है जिसने मुझे नींद से जगाया, और ये लालसा क्या है, अभी जाकर देखता हूँ। शैतान गुस्से में कुएं से बाहर आता है और कल्लू को उसकी पान की दुकान पर बैठा हुआ देखता है। तो ये इस दुष्ट की शैतानी है, लोग इसकी दुकान से पान खाते हैं और मेरे ऊपर आकर थूकते हैं, अभी से मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर शैतान कल्लू के पास जाता है और उसे गुस्से में पकड़कर बोलता है, तूने मुझे जगाया पान वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अभी मार कर खा जाता हूँ तुझे। शैतान को देखकर कल्लू डर जाता है और बोलता है, शैतान जी मुझे क्यों मारोगे, भला मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, मुझे छोड़ दो। लोग तेरी दुकान पर आते हैं और पान खाकर मेरे ऊपर थूक जाते हैं, आज भी दो बार किसी ने मेरे ऊपर थूका, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान कल्लू को उठाकर कुएं के अंदर चला जाता है। कल्लू डर के मारे बेहोश हो जाता है। बेहोश कल्लू को देख शैतान सोच में पड़ जाता है, अगर इस मरियल को मार भी दिया तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्यों ना इसका रूप बदल लूं, फिर इसकी दुकान पर जो भी आएगा वो मेरा शिकार बनेगा। ऐसा कहकर शैतान कल्लू का रूप धारण कर लेता है और असली कल्लू को बांध देता है। अगले दिन तोता सिंह और हल्दीराम फिर से कल्लू की दुकान पर आते हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं, तो कल्लू भैया रात में नींद सही से तो आई ना, कहीं उस कुएं के शैतान की वजह से सो ना पाए हो, वैसे बहुत ही डरपोक है तुम्हारा शैतान, थूकने के बाद भी कुएं से नहीं निकला है? लेकिन कल्लू कोई जवाब नहीं देता। ये देख हल्दीराम बोलता है, तुम भी ना तोता सिंह, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, अरे भाई देख नहीं रहे, आज रसगुल्ले की तरह मुंह फूला है कल्लू भैया का,
लगता है भाभी ने मारा है इनको। लेकिन कल्लू कुछ नहीं बोलता। ये देख दोनों उसे पान लगाने को बोलते हैं। कल्लू बना शैतान सोच में पड़ जाता है। अरे इन दोनों जोकरों को क्या खिलाऊं? मुझे तो पान बनाना ही नहीं आता, और पान लाल कैसे होगा? एक काम करता हूँ, खून मिला देता हूँ। फिर शैतान पान बनाकर हल्दीराम और तोता सिंह को दे देता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों शैतान के हाथों से बना हुआ पान खाते हैं, उल्टी कर देते हैं और तोता सिंह कल्लू से बोलता है। अरे भैया ये कैसा पान बनाया है? लगता है जैसे इसमें खून मिला हो, बहुत गंदा स्वाद है इसका। अरे भैया ये वाला गुलकंद आज ही आया है, आप थूक दो, मैं कल नया गुलकंद लाऊंगा। फिर हल्दीराम और तोता सिंह वहाँ से चले जाते हैं और शैतान भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। रात में जब तोता सिंह सो रहा होता है, उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। तोता सिंह उठ जाता है। कौन है जो इतनी रात में दरवाजे को ऐसे खटखटा रहा है? तोता सिंह गुस्से में दरवाजा खोलता है, लेकिन अपने सामने खड़े शैतान को देखकर घबरा जाता है। शैतान तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ कहाँ आया हूँ, बल्कि तुमने मुझे बुलाया है। 2 दिन पहले तुमने जिस कुएं में थूका था, मैं उसी कुएं में सो रहा था और तुम्हारे थूकने की वजह से जाग गया था। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान तोता सिंह को मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हल्दीराम तोता सिंह के घर आता है और मरे हुए तोता सिंह को देखकर रोने लगता है। हाय 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 रे मेरा तोता मर गया। अरे मेरा तोता मर गया। हल्दीराम को यूँ रोता देख गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं। अरे क्या हुआ हल्दी भैया, कौन सा तोता मर गया आपका? क्यों रो रहे हो भला एक तोते के मरने पर? कोई ऐसे गला फाड़ कर रोता है क्या? क्या मतलब तोते के मरने पर? अरे मूर्खो तोता सिंह मरा है, कोई असली तोता नहीं। हल्दीराम की बात सुनकर गाँव वाले घबरा जाते हैं। तभी वहाँ खड़ा गाँव वाला जिसका नाम सोहन होता है हल्दीराम से बोलता है। हल्दीराम भैया ये हमको शैतान का काम लगता है। हाँ कल जब हम अपनी राम प्यारी के साथ छत पर खड़े थे तो हमने किसी बहुत ही डरावने आदमी को देखा, लगता है उसी ने तोता सिंह की गर्दन मरोड़ी है। रोहन की बात से गांव वाले डर जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर हल्दीराम को अपने प्रिय दोस्त के जाने का बहुत दुख होता है। वो रोहन के साथ कल्लू पान वाले की दुकान पर जाता है और उसे पान बनाने के लिए बोलता है, और कल्लू भी बिना कुछ बोले पान बनाने लगता है। तभी रोहन की नजर कल्लू के पैरों पर पड़ती है। वो हल्दीराम से बोलता है। हल्दीराम भैया चलो यहाँ से, मुझे पता चल गया है किसने मारा है तोता सिंह को। फिर रोहन और हल्दीराम वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में रोहन हल्दीराम को सारी बात बता देता है। तो इस शैतान ने कल्लू का रूप बदल रखा है, लेकिन फिर वो असली कल्लू कहाँ है? रोहन और हल्दीराम बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शैतान आ जाता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है। तो तुम दोनों को मेरी असलियत पता चल गई, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों भी मरोगे। शैतान रोहन और हल्दीराम की तरफ बढ़ता है, लेकिन रोहन गांव की तरफ और हल्दीराम गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। हल्दीराम भागते भागते कल्लू की दुकान के पास पहुंच जाता है। तुम दोनों तो वहीं पहुंच गए जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। शैतान हल्दीराम की तरफ बढ़ता है और हल्दीराम पीछे की ओर हटता जाता है और कुएं के पास रुक जाता है। अब कहां भागेगा तू, इसी कुएं से मैं आया था, अब तू भी यहीं मरेगा। लेकिन तभी रोहन वहां आ जाता है। उसके हाथ में यज्ञ की पवित्र अग्नि होती है। वो अग्नि शैतान के ऊपर डाल देता है। शैतान जलता हुआ कुएं में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद कुएं से असली कल्लू निकलता है। हम हैं असली कल्लू पान वाला,
वो शैतान तो जल कर मर गया। आओ मीठा पान लगा देता हूँ।